नवंबर 2017 पेपर टू वेरिएंट थ्री एंड द क्वेश्चन नंबर इज थ्री. सो क्वेश्चन सेज स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन. यू कैन राइट आइदर टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इज ऑलवेज कंजर्व और द सम ऑफ ऑल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. राइट. उसके बाद अ बॉल मूव्स विद द स्पीड वी अलोंग अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनल सरफेस टूवर्ड्स अ स्टेशनरी बॉल. एक बॉल है जिसके जिसका मास 4 किलोग्राम है. वी अननोन है इसकी स्पीड और ये एक बॉल भी जिसका मास 12 किलोग्राम है और वो स्टेशनरी इससे टकराती है और टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन बॉल ए 6 मीटर पर सेकेंड से वो एक अननोन एंगल हॉरिजॉन्टल से बनाते हुए फोर जो है वो ऊपर जाती है और बी जो है 12 किलोग्राम आफ्टर विद द स्पीड ऑफ 3.5 मीटर पर सेकेंड और विद द हॉरिजॉन्टल 30 से वो नीचे की तरफ आती है. राइट. दिस इज ऑल एक्चुअली इंफॉर्मेशन ओवर हियर. सो द क्वेश्चन इज बाय कंसिडरिंग द कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम एट राइट एंगल इन द टू द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल पाथ. राइट. इसकी जरूरत पैसे थी भी नहीं. कैलकुलेट थीटा. राइट. तो अगर मैं थीटा कैलकुलेट करने जाता हूँ तो मेरे पास मैं इसको यहाँ रिजॉल्व ऐसे करूंगा कि व्हेन द बॉल ए एंड बी कोलाइड और उसके बाद ये एंगल बनाती है तो वी व्हाट वी हैव टू डू वी हैव टू रिजॉल्व दिस इनटू हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट. तो जो बॉल वी है उसकी वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है वी बी कॉस थीटा है और बॉल ए का हॉरिजेंटल कंपोनेंट वी ए कॉस थीटा है. राइट. थीटा है और यहाँ पे 30 है और ये वी बी इज 3.5 वी ए इज 6 मीटर पर सेकेंड. अच्छा जी. और वर्टिकल कंपोनेंट के अंदर क्या है. जो वर्टिकल कंपोनेंट इधर वी ए साइन थीटा और वी बी साइन थीटा. राइट. और वी ए इज एक्चुअली 6 और वी बी इज 3.5. थीटा इज नोन ऑन द फॉर ए एंड 30 इज नोन फॉर बी. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे. वर्टिकल मोमेंटम को चेक करेंगे. एम वन वन प्लस एम टू यू टू इक्वल्स एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू. वर्टिकली कोई मोमेंटम नहीं है इसलिए बिफोर कोलिजन इज जीरो. ऊपर की तरफ के लिए मैं माइनस कंसीडर किया. नीचे के लिए पॉजिटिव कंसीडर किया. एम वन बी वन मीन्स एम वन इज 4 वी वन इज 6 साइन थीटा एंड फॉर द डाउनवर्ड इज 12 इज द मास 3.5 इज द स्पीड एंड साइन 30 डिग्री वर्टिकल के लिए साइन 30 नीचे के लिए. अब जो ऊपर जा रहा है उसके लिए मैं माइनस और नीचे के लिए प्लस. सो इसको इधर लेके जाएंगे 24 साइन थीटा हो जाएगा. इसको रिजॉल्व करेंगे 21 आएगा. तो 30 जो थीटा है साइन थीटा इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 24 विच इज 0.875. उसका साइन इनवर्स निकालेंगे तो दैट विल बी 61 डिग्री. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साइन थीटा है यहाँ पे वो 61 डिग्री है. 61 डिग्री है. उसके बाद नेक्स्ट आपको ये पता करना है कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट अब जो इनिशियल स्पीड है वी है वो 12 मीटर पर सेकेंड है. ये प्रूफ करना है तो हम हॉरिजेंटल देख लेते हैं क्योंकि हॉरिजेंटल में हमारे पास एंगल मौजूद है. राइट. एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इक्वल एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू. बॉल ऐसे आ रही थी इससे टकरा रही थी. ये जो है रेस्ट में है तो इसका मोमेंटम जीरो है. इसका 4 है. यू वन वी हमें गिवन है और टकराने के बाद 4 6 cos 61. राइट. क्योंकि हमें थीटा पता चल चुका है. एंड एम टू 12 स्पीड इज 3.5 cos 30. राइट. तो 4v इक्वल इसको सॉल्व करेंगे 11.64. इसको सॉल्व करेंगे 36.12. ऐड करेंगे 47.76 और ये 4 यहाँ डिवाइड होगा. राइट. तो v इक्वल 11.94 विच इज 12 राउंडिंग ऑफ आफ्टर राउंडिंग ऑफ इट विल बी 12 मीटर पर सेकेंड. अच्छा अब ये बताना है कि बाय कैलकुलेशन करके आपको ये बताना है काइनेटिक एनर्जीज का. आपने स्टेट करना है कि वेदर द कोलिजन इज इलास्टिक और इन इलास्टिक. तो भाई ठीक है पहले वाले को चेक कर लेते हैं. टकराने से पहले हाफ एम वी स्क्वायर. राइट. और चूंकि अभी हमने 12 निकाला यहाँ डाल दिया और प्लस जीरो जो है
वो चूंकि रेस्ट में थी तो इसका मोमेंट काइनेटिक एनर्जी जीरो है राइट। और राइट साइड के लिए हाफ वन ओवर टू फोर मास राइट, और सिक्स इसका स्पीड है, वन ओवर टू इसकी स्पीड जो है वो मास 12 है और स्पीड 3.5 है। तो जब मैं स्क्वायर लूंगा तो दैट इज इक्वल 72, इसके लिए आएगा 73.85 विच इज टोटल 145.5 विच इज नॉट इक्वल टू 288 फॉर द लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी लॉस हुई है। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, सो दैट मीन्स ये एक इन इलास्टिक कोलिजन है।